नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि प्राइवेट गवर्नमेंट क्या सेक्टर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं, हर काम में एक ना एक बार रुकावट रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लक लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपकी जितनी भी लक लाइन कनेक्टेड है ये सब सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आ रही है। जब भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक जाए या लक लाइन लाइफ लाइन को क्रॉस करके आगे निकल जाए तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन ही कंसिडर किया जाता है। आप जैसे जातक के पास पूरा फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंसी होती है कि आप जिस सेक्टर में जाना चाहें, जो भी काम अपने इच्छा अनुसार करना चाहें, आपको अंततः उसमें सफलता मिलेगा क्योंकि आप अपना भाग्य यहाँ पर खुद निर्मित कर रहे हैं। दूसरी, यहाँ पर हम बाकी अनदर लक लाइन्स को देखेंगे तो वो भी तकरीबन यहीं से अथवा आपके माइंड लाइन से कनेक्टेड हो रही है या डेवलप हो रही है। तो जहाँ जहाँ आपका बुद्धि विवेक ज्ञान मन लगेगा वहाँ पर आपका काम बनना, अपॉर्चुनिटीज आना और एट द एंड इनफ सक्सेस मिलना देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस लक लाइन में दिक्कत सिर्फ यह है कि ये लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अनेक तरह के कामों में कहीं ना कहीं रुकावटें, देरी या अधिक प्रयत्न होता है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता। और वैसे भी सैटर्न के ऊपर जब आड़ी रेखाएं हो तो इसे वक्री शनि कहा जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ इंसान को लेकर के जाते हैं। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड होना, हैप्पी हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके की सैटर्न की डिमांड होती है। तो यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहने वाला है, कोई इसमें परेशानी नहीं है क्योंकि इस तरीके का सैटर्न हुआ या फिर यहाँ सन पे भी मल्टीपल लाइंस हुई, ये आपको डिससेटिस्फेक्शन या डिसइंटरेस्ट तो जॉब में देगा लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग, करियर और डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग रखने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपका आगे चल करके करियर में थोड़ा बहुत चेंजेस एंड फ्लक्चुएशन डेफिनेटली होगा, लेकिन फिलहाल आने वाले 5 से 6 साल के अतिरिक्त किसी तरीके का मेजर चेंजेस नहीं है क्योंकि जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होते हुए रन हो रही है। और जो भी चेंजेस आपको देखने मिलेगा इन फ्यूचर वो 28, 34, 47 इन सब के बाद में देखने को मिलेगा। अब यहाँ दूसरी बात ये भी है कि आपकी मून लक लाइन भी स्लाइटली एक्टिव हुई है सेल्फ मेड लक लाइन के साथ में। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है और जुपिटर पे स्क्वायर का साइन हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए अच्छा माना जाता है। आपके यूनियन लाइन पर अभी हम लास्ट में बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखी है। मल्टीपल लाइन जब डेवलप होती है तो ये मल्टीपल डीप रिलेशन व्यक्ति को देता है। अब ऊपर से जब मंगल का कनेक्शन मार्स से हो जाए तो इससे मांगलिक योग का निर्माण भी कहा जाता है और इस कंडीशन में रिलेशनशिप मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है एंगर इश्यूज के कारण। इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंग काम ना हो। तो यहाँ पर आपको मार्स का रेमेडी करना ज़रूरी है, जैसे कहते हैं मंगल शांति उपाय। यह करने के बाद में आपको किसी तरह का एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या रिलेशनशिप में ट्रबल, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और इमोशनल सेटबैक से आप यहाँ पर बच सकेंगे। देन आफ्टर, ये जो लक लाइन आपकी मून से कनेक्ट होकर निकली है ये बीच में ही नहीं रुकेगी, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमें सन या सैटर्न से देखने को मिलेगा जो एक सक्सेस आफ्टर मैरिज का बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन साबित हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि कोई भी काम एक बार में नहीं होता, ये कब तक ठीक होगा? ये आपका तब ठीक होगा जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करने के साथ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को लाइफ में लेकर के आएंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि आप अपने सन और सैटर्न को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ में ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करेंगे या प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे, ना पास्ट ना फ्यूचर, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, प्राण शक्ति, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, आइसोलेशन में अपने रिसर्च को लेकर के कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को लेकर के जाना और कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करने के लिए व्यस्त रहना, ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन आपके सैटर्न की आड़ी रेखाओं को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। देन आफ्टर, आपके जीवन में लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो सन माउंट के ऊपर में हम मल्टीपल लाइंस देख रहे हैं जो बार बार डिसइंटरेस्ट क्यों दे रही है, क्योंकि बार बार इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसी कारण से सोचा कुछ और है, हो कुछ और जाता है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में यहाँ पर नहीं पड़ना है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या विजन क्लियरिटी यहाँ सिर्फ सन ही दे सकते हैं। तो जब हम सन सैटर्न रेमेडी करेंगे तो ये इशू आपके लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक बात करें ओवरऑल रिलेशन की, तो जब तक मार्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है
तब तक ब्लड रिलेशन, इन-लॉज या किसी भी तरह के रिलेशन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, ये सभी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में फ्लक्चुएट होती है। ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, चीज़ें बहुत जल्दी बुरी लगती है, कहना कुछ और जाते, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्स के रेमेडी के बाद में सभी तरह के जो अंगारक योग यहाँ पर बने हुए हैं, जो आग लगाते हैं रिश्तों में, ये सब कुछ यहाँ ख़त्म हो सकेगा। और इसके बाद में जो सपोर्टिव लाइन इतनी प्रोमिनेंटली एक्टिव है, इसके रिजल्ट हमें और जल्दी मिल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जितनी भी डेवलप है, ये सब आफ्टर 26/7 अपने रिजल्ट दे रही है। हमें इसको और जल्दी जैसे चाहिए 24/5 में ही अप्रोक्स या उसके भी पहले, तो मार्स रेमेडी यहाँ पर बहुत सूट आपको करेगा। हेल्थ एंड ओवरऑल एज आपकी कैसे रहने वाली है, ये अभी ओवरऑल पाम रीड में हम जज करेंगे। बाकी यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देखेंगे तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग इसके लिए देता है, तुरंत काम करने की आदत, पहले एक्शन लेते हैं अधिकतर मामलों में, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। अब इस फिंगर में आपको ऑटोमेटिकली कुछ गैप्स देखने को मिलेगा। ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट नेचर को बिल्ड करता है। वैसे भी जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हो तो ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति बहुत होती है, और फ्रीडम लवर इस तरीके का गैप इसलिए बनाता है क्योंकि स्पेस एलिमेंट आप जैसे जातकों में ज़्यादा पाया जाता है। स्पेस एलिमेंट का तात्पर्य है सोचने विचारने की क्षमता। अगर कोई भी आपके सोच पे लगाम लगाए, आपके एम्बिशंस पे लगाम लगाए, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप ज़्यादा समय सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आपको दूसरों के अनुसार काम करवाना है, दूसरों से काम करवाना है, तो इस तरीके का स्पेस एलिमेंट आपको टॉप पोजिशन अथॉरिटी देगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यूनिक आइडिया, ग्रेट इमेजिनेशन और इन सब के बावजूद विजडम नॉलेज देने वाला होता है। तो आपके अनुसार दूसरे चले तो उनका बेनिफिट है, लेकिन आप दूसरों के टर्म एंड कंडीशन पे चले, ये आपके नियत में, नेचर में नहीं है। तो ये फ्रीडम लवर इसीलिए आपको यहाँ पर बना रहा है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन वही जो मर्करी माउंट है वो इनफ डेवलप है आपका, तो इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आने नहीं वाला है। लेकिन आप जितना हो सके फ्रेंडली टाइप का नेचर रखें, क्योंकि आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा कमियाँ, तकलीफ़ें आपको देगी और आगे चलकर और मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जैसे लव ब्रेक्स यहाँ फेस करना पड़ सकता है। तो सीधी खड़ी रेखाओं के लिए पॉजिटिव रहना, कूल और काम रहना, और चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना, यह आदत आपको डालनी ही होगी। बाकी रेमेडीज़ तो अपने तौर से आपको वर्क यहाँ करेगी, लेकिन खुद को साइकोलॉजिकल इस तरह से ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के हर चीज़ में आपको रस आना, आनंद आना, सुकून मिलना शुरू हो सकेगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके सैटर्न माउंट को पॉजिटिव ही करने का एक तरीका रहेगा। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक रुचि देगा, और थर्ड फिंगर का सन का यानी सैटर्न की तरफ झुकाव आपको थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस या वरीज देगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट को ही ज़्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी देना है, तब जा करके आपका भविष्य अपने आप बैलेंस होता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ देखने मिलेगा। फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। और सन माउंट के ऊपर जब मल्टीपल लाइंस होती है तो मल्टीपल डिज़ायर, इंटरेस्ट यह क्रिएट करता है, जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी और तनाव की स्थितियाँ देता ही है, क्योंकि फिर अधिकतर काम आधे अधूरे देखने को मिलते हैं। अगर आप टेम्प्रेरी इमोशंस के बिहाव पर डिसीजन ले रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का चेंजेस अपने लाइफ में कर रहे हैं, तो आपको एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आ ही नहीं सकता है। तो सन को इम्प्रूव करना, पॉजिटिव करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म विज़न पे जब भी कोई काम किया जाए तो उसमें शॉर्ट टर्म जितनी भी डिफ़िकल्टीज है वो पूरी की पूरी इग्नोर हो जाती है। तो सिर्फ आने वाले एक दो साल नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल इसके रिगार्डिंग जब आपकी प्लानिंग्स होने लगेगी तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको करियर वाइज भी और अपने ओवरऑल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस वाइज एंड सेटिस्फेक्शन वाइज देखने को मिलेगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के डेवलप ठीक जा रही है। थोड़ा और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बढ़ाएं और खासकर जिम ज्वाइन कर लें, तो यहाँ हम जितनी भी राहु एंड बरी लाइन देख रहे हैं ये सब धीरे धीरे कर खत्म होना शुरू होगा। जिसका पाम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये वरीज लाइन आती है। एक्चुअल में जो माइंड लाइन है वो हल्की से डिक्लाइन होने के कारण ओवरथिंकिंग ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ओवरथिंकिंग नहीं, ये वरीज लाइन यानी मंगल रेखा और राहु रेखा के कारण इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन को दे रहा है। जब तक ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन को इसे काटते रहेगा, तब तक जीवन में कोई भी सफलता समझ नहीं आएगी कि ये सफलता है कि और ज़्यादा जीवन में तनाव है, क्योंकि इन रेखाओं का काम है छोटी छोटी चीज़ों पर
आपको परेशान करना या खुद ब खुद तनाव ले लेना, और जिसको कहते हैं रुकावट या हेल्थ इश्यूज के कारण भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसको ठीक रखने के लिए जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड अपने लाइफ में होना होगा। सेंसिटिविटी को साइड रख करके इमोशंस, फीलिंग्स के बिहाव पर ज़्यादा वर्क करने से पीछे हटना होगा, तब जाकर के ये चीज़ें ठीक होने लगेगी। और छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा सीरियस रहना, रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीज़ों से बचना होगा। राहु का सबसे पॉजिटिव और सबसे असरकारक रेमेडी जो है वो शिव जी की आराधना है। शिव जी की आराधना के अतिरिक्त जब उन पर दूध जल से अभिषेक किया जाता है तो चंद्रमा की स्थिति तो अच्छी होती ही है, जिसके कारण मन नियंत्रित होना, मनोवांछित फल मिलना, मन अनुसार काम होने लगना। लेकिन सबसे मेन जो राहु जो इल्यूजन देते हैं, ये इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी आना खत्म होता है, जिससे वरीज, एन्जाइटीज, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेसेस, इन सारी चीज़ों से रिलैक्सेशन मिलना शुरू होता है। देन आफ्टर हेल्थ के रिगार्डिंग और ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होता है। ये वरीज लाइन एक्चुअल में टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, जो कहीं ना कहीं शरीर में रह जाता है, और उन्हीं सारी चीज़ों के कारण जिस एनर्जी के साथ कोई काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है, और ये सारी चीज़ें एट द एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर रहा है। तो अभी जैसे मार्स आपका पॉजिटिव एक्टिव हो रहा है, शुक्र माउंट डेवलप अच्छा होने लग रहा है, हार्ट लाइन की कंडीशन ठीक जाने लग रही है, सिर्फ हमें वरीज लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल करना है, इसे ठीक करना है, देन आफ्टर आपको किसी तरीके का हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। थंब के ऊपर में जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो हाइपरटेंशन वरीज या क्रिएट करती है, तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है विल पावर का है। तो ये सब चीज़ों होने के कारण इच्छा बल शक्ति जो है और महत्वाकांक्षाएँ जो हैं, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा है, ये सब बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो सकता है, और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण बहुत हाई लेवल का इंटरेस्ट देन आफ्टर डिसइंटरेस्ट किसी भी विषय में आना शुरू हो जाता है। तो एक्साइटमेंट लेवल को यह कम कर रहा है, और सेकंड फेलेंस के ऊपर आड़ी रेखाएं बेफिजूल के मसलों में पड़ने के बाद में और ज़्यादा मानसिक तनाव ही दे रही है। ये जो क्षेत्र है ये तर्क वितर्क का है, लॉजिक्स का है, और यहाँ सीधी खड़ी रेखा हो तो यानी लॉजिक सही बैठ रहे हैं, लेकिन वही आड़ी रेखाएं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गलत जगह पर सही प्रूफ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, दूसरों के मसलों में पड़ने से दूर अपने आप को रखना चाहिए, टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पर आप अपनी काबिलियत का भरपूर सदुपयोग कर सकेंगे, और यहाँ जो बीच में यव का साइन डेवलप हुआ है ये और प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो जाएगी, और इनर चक्रास आपके डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पर पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ये बहुत अच्छी कराता है। लोअर जोन एक्टिव होने के कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चाहत, बड़ी सोच, नियत ये देता है, प्लानिंग्स भी अच्छे कर पाते हैं, लेकिन बीच वाला जोन अभी भी आपका डेवलप प्रोमिनेंट नहीं है, तो जितना कुछ सोचा समझा रहता है उसके रिगार्डिंग प्रोमिनेंटली एक्शंस ले नहीं पाते हैं। तो जब ये वरीज लाइन ख़त्म होगी तो आपके एक्शंस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, देन आफ्टर रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव मिलना है। इसके बाद में जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं, जितनी भी इधर आप आड़ी रेखाएं देख रहे हैं ये सब आपको धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा देने वाली है, दयालुपन देने वाली है, दूसरों का मदद करना, एनिमल लवर होना, प्रकृति के निकट जाना, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा विजडम और पुण्य बढ़ाने की योग्यता इस तरह की आड़ी रेखा देती है। तो किसी भी तरह का सामाजिक काम करना या डेली मंदिर जाना या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपके लाइफ में लेकर के आएगा, इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। अब इन सब के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू होता है या ट्रायंगल साइन होता है, तो ट्रायंगल साइन तो स्टेटस सोसाइटी में अच्छा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी देता है, ओवरऑल प्रोग्रेस करियर वाइज टॉप पोजिशन अथॉरिटीज़ देता है। स्क्वायर का साइन मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, सिक्योर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सपोर्टिव, लॉयल देखने को मिलते हैं, एक जो फैमिली या मैरिड लाइफ की जो सराउंडिंग होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन होता है। तो ये एक ऐसा सिक्योरिटी का साइन है जिसमें करियर, फैमिली, मैरिड लाइफ, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें सिर्फ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो ये जुपिटर रिस्पॉन्ड आपके अच्छे कर रहे हैं और सभी तरह के एम्बिशन, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपको और ज़्यादा प्रेरित करने वाले हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर इतनी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा मेजर मूड स्विंग इश्यूज़ को अभी भी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इस कंडीशन में इमोशनल रिस्पॉन्ड, इमोशनल रिएक्ट, इमोशनल डिसीजंस, ये सारी चीज़ों से दूर रखना अपने आप को ज़रूरी है। ये सिर्फ इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा चिंतन मनन भी कराती है, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण
जो प्रेजेंट है ये बार बार स्किप होता चला जाता है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी दूसरी वरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर घर कर लेती हैं। तो इस कंडीशन में सैटर्न के लिए सबसे इजी जो रेमेडी है वो है दान। जितना ज़्यादा हाथ से आपके दान होता रहेगा उतना ज़्यादा आपकी बला, आपकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सब यहाँ आपके द्वारा या आपका काल जाता रहेगा। प्राणायाम से क्या रहेगा कि ये हमारे अंदर जब प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, एयर एलिमेंट को जब हमारे अंदर बढ़ाता है, सैटर्न वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उतनी खुली सोच, उतनी बड़ी सोच और उतनी नियंत्रित सोच, विचार, भावनाएं फिर हमारे अंदर आने लग जाती है। खाली पैर जब हम वॉक करते हैं, अकेले करते हैं, तो एट द एंड हम फिर से अपने सैटर्न को पॉजिटिवली एक्टिव कर रहे हैं पाँव के कारण। तो यहाँ पर होगा ये कि जितनी आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, एन्जाइटीज़ है, वरीज़ हैं, या जो इस तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मूड स्विंग है, ये सब आपका नियंत्रण यहाँ पर होने लगेगा, क्योंकि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है ये एक्टिव होने के साथ साथ एक जो कंट्रोल है अपनी बॉडी पे, फिर अपने इमोशंस पे, फिर अपने मन पे, देन आफ्टर अपनी आत्मा पे बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लक लाइन जितनी इतनी रुक रही है कभी माइंड लाइन पे, हार्ट लाइन पे, ये दर्शा रही है कि बार बार डिसीजन, बार बार इमोशन चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो डिसीजन या प्लानिंग है उसमें चेंजेस आ रहा है, और उन्हीं सब चीज़ों के कारण कर्म में, प्रयत्न प्रयास में चेंजेस हो रहा है। तो ये लक लाइन फिर सब आधा अधूरा देना शुरू करती है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन मिलना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले हम राहु को ठीक करेंगे, देन आफ्टर सैटर्न का तो काम करते रहेंगे, तो यहाँ पर फिर आपकी लक लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट आना शुरू हो जाएगा, रस मिलना, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन लाइफ में होना आपके शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आने लग रहा है, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्प्रूव करने वाला है। इधर का बायफोर्क को विद्या रेखा कहते हैं, आपके एडवाइजर सजेशन बहुत काम आने वाले दूसरों को, तो आपको एक साइड अर्निंग होने के चांसेस आपके करियर में, जैसे इंसेंटिव बेस हुआ या अनदर, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र पर भले ही आड़ी रेखा हो, लेकिन प्रोमिनेंटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप है विथ टेल, तो ये कॉम्बिनेशन राजयोग निर्मित करता है, कुलदीपक योग निर्मित करता है, जिसके कारण घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध होने की योग यह देता है। पिता का, अपने कुल का नाम सम्मान आप जैसे जातक बढ़ाते हैं, और यही सब कारण है कि आपके नाम के बलबूते पर बहुत सारे काम भविष्य में देखने को मिलेगा। अब इसमें जब इतनी आड़ी रेखा होती है, तो ये आड़ी रेखाएँ एक्चुअल में आपको जॉब में डिफ़िकल्टीज़ बहुत बाद में देगी, पहले ही डिसइंटरेस्ट दे देगी, क्योंकि प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है आपका। तो जब आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, विजन स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, तो ये आड़ी रेखाओं को कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को फिर हमें नहीं मिलेगा। ये फिश सिंबल रिवॉर्ड अवार्ड, ग्रेट लेवल का सक्सेस और बहुत बड़ा पद देने की योग्यता रख रहा है, बशर्ते इधर नेगेटिव लाइन्स का ख़त्म होना ज़रूरी है। यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन रईस ही देता है, ग्रेट लेवल के कनेक्शन कॉन्टेक्ट बिल्ड हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आड़ी रेखाएं ख़त्म करने के बाद ही इसके शुभ परिणाम आएंगे, क्योंकि आड़ी रेखाएं बहुत जल्दी किसी भी तरह के रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां दे रहा है और देता रहेगा, तो उसे ठीक करना हमें ज़रूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर में आपके स्क्वायर का साइन आता दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइड वर्क बिजनेस में इन्वॉल्व करने वाला है। इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी काम शुरू करेंगे जो जॉब नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि मिलने की योग है। तो यहाँ पर आपको मीडिया के द्वारा या ब्लॉगिंग के द्वारा या किसी भी तरह के पैशन इंटरेस्ट के द्वारा अच्छे लेवल का सक्सेस, नेम, फेम और वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस आ रहे हैं। बस यहाँ पर भी यही दिक्कत आ रही है कि इधर भी अननेसेसरीली लाइन्स अवेलेबल हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपनों के द्वारा मनी फ्रॉड करा सकती है, तो थोड़ा सा पैसों के लेन देन में यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। हृदयरेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर रही है। आइलैंड जैसे साइन आपको ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देने की जो है यहाँ पर चांसेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए आपको मंगल का उपाय करना ज़रूरी है, वरना हाइपरटेंशन वेरीज के अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको आ सकती है। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर जब भी हार्ट लाइन रुकती है, तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड एंड प्लेजर लवर बनाता है। तो इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा अपने में रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, उतना ज़्यादा सुकून शांति जीवन में मिलता जाता है। सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी यह देता है,
और बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को रिवील करना ये नेचर में नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज भी यह डेवलप करना शुरू करता है। बट ओवरऑल इस तरीके का हार्ट लाइन व्यक्ति को सब तरह की इच्छा, डिज़ायर और प्लेजर फुलफिल करके देता ही है, क्योंकि मेन मोटिव लाइफ का ये होता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब कुछ होता है। इसीलिए फ्यूचर में आपको हर विषय में सेटिस्फेक्शन आना तय है। जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होती है तो बचपन से ही अपने अनुसार निर्णय लेना, काम करना, अपने जिद पर अड़िग रहना पसंद करते हैं, तो इस कारण से थोड़ा ये केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है। जैसे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो जो मन है वो करना है, जो चीज़ ठान ली है वो करना है। तो अड़ियल बुद्धि का ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देता है, हर विषय में जानना, हर विषय में अपना ज्ञान बढ़ाना, ये नियत में देखने को मिलता है और एडवेंचरस लवर बनाता है, मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति देता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं। अभी माइंड लाइन आपकी थोड़ी शॉर्ट हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ये रिसर्च और क्रिएटिव लाइंस के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाली है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर भी इस तरह से फिश का सिम्बल आता है तो ये बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल का हेड या रैंक आपको दे सकने में सक्षम होगा, क्योंकि इसमें होता यह है कि माइंड लाइन हमारे जैसे ज्ञान, बुद्धि, विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस को दर्शा रही है। अब फिश सिंबल इंटर कर रहा है, यानी लाइफ के एक एक इवेंट, चाहे आपके साथ हो या दूसरे के साथ, एज अ लेसन, इंस्पिरेशन, नॉलेज लेकर के चलते हैं, जिसके कारण अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता का उपयोग इतने अच्छे से कर पाते हैं कि बहुत बड़ा पद मिलने के योग यहाँ यह डेवलप कर देता है। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो ये आता है मरकरी के अतिरिक्त, यहाँ स्क्वायर का साइन है और यहाँ फिश सिंबल आ गया, तो आप एक तरीके से इस पद तक विराजमान हो सकेंगे कि कोई राज्य आप संभाल रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट आप संभाल रहे हैं। तो ये स्थिति तब होगी जब आप अपने नॉलेज को, अपने प्रैक्टिसेस को, लर्निंग्स को इन्हेंस करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने माइंड का उपयोग करेंगे आपको विफलता कभी किसी विषय में नहीं आएगी या रिग्रेट आपको नहीं होगा। जब जब इमोशन का यूज़ करेंगे तो नेगेटिविटीज़, रिग्रेट, ये सभी चीज़ आने वाली है। अभी के समय पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राहु लाइन्स बहुत एक्टिव है, तो आनन फानन में रिलेशनशिप का डिसीजन मत लीजिएगा, कि यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रिलेशनशिप को फाइनल मैरिज में कन्वर्ट करने का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये देने वाला है इल्यूजन, भ्रमित बहुत करने वाला है ये लाइन आपको, और एट द एंड बाद में इतना डिसइंटरेस्ट या डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए आप बहुत पर्याप्त मात्रा में हर विषय में समय लीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, रियलिटी को ज़्यादा चेक करिए, इल्यूजन्स में रहना, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस में रहना, सपनों की दुनिया में, इन सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा जो है अगर आप बचा के रखते हैं, तो ये माइंड लाइन जो बिखर रही है या इतनी बड़ी लाइन आ रही है जो मेनली मेंटल प्रेशर, एंजाइटी दे सकती है, ये आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। और लाइफ लाइन की कंडीशन में अच्छी बात सिर्फ ये आ रही है कि सपोर्टिव लाइन की कंडीशन बहुत मजबूत होती जा रही है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जितनी भी हम वरीज लाइन देख रहे हैं ये सब खत्म कहाँ से हो रहा है, दूसरों के सपोर्ट, दूसरों के साथ या प्रोत्साहन के कारण। तो इसीलिए आप आगे चल करके खुद से भी बहुत चीज़ों में इनिशिएट करेंगे, और इसीलिए अपने लाइफ में 35 के एज तक आते आते इनफ सक्सेस गेंस आपको हो चुका रहेगा। और लाइफ लाइन का झुकाव जैसे बाहर की तरफ है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के या पूर्ण रूप से रसने बसने के योग आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर रेक्टेंगल साइन आ रहा है जो खुद का घर और बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास, कार्य क्षेत्र में प्रगति, ये सब जन्मस्थान से दूर देता है। शुक्र माउंट आपका एक्टिव बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर इन्जॉय करेंगे लग्जरीज, कम्फर्ट एंड प्लेजर्स, सब कुछ फुलफिल होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा वरीज, ट्रबल, प्रॉब्लम यहाँ पर आपको सुख सुविधा, संसाधन को लेकर के नहीं रहेगा। लेकिन जैसा यहाँ वरीज लाइन लाइफ लाइन के निकट आ रहा है तो इस कंडीशन में पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। जितना पॉजिटिव दूसरों के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे, उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता जाएगा, गलत इंसान भी सही रूप से जीवन में प्रस्तुत होने आएगा, और उसके बाद में आपके अनुसार चीज़ें चलना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये शुक्र आपको जीवन में बहुत रईसी देने वाले हैं, इसलिए इस कंडीशन में क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप हो सके तो पहनिए, यह बहुत सुकून, शांति और प्लेजर फुलफिलमेंट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। केतु पर ट्रायंगल का साइन सडन गेन प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है, और चंद्र के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंटली लूप बनता दिखेगा, तो ये लूप एक्चुअल में बहुत अच्छा माना जाता है तब जब ट्रैवलिंग्स किया जाए, तो कुछ कुछ समय में
आपको ट्रैवलिंग करना ज़रूरी है, घर के बाहर रहना ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें आपको जीवन में एक नए तरह की ऊर्जा, आनंद और नए तरह की सकारात्मक दिशा देने वाली रहेगी। मन का काम, मन की संतुष्टि सब आपको ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में आने वाला है। और जहाँ तक बात करें मनी ट्रायंगल, अभी प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है तो थोड़ा मनी का लीकेज तो देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे रियल इस्टेट में हो, आपको पैसा बचाएगा, बढ़ाएगा, सदुपयोग करवाने वाला है। अब यूनियन लाइन की कंडीशन में होता यह है कि जब मल्टीपल लाइन्स आती है तो ये डीप रिलेशंस को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो करेंट एज है अभी आपका, उसमें हुआ यह है कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट दोनों आने वाला है, तो इसीलिए इस पीरियड में आपको सावधान रहना है। बाकी तकरीबन 25-26 का उम्र निकलने के बाद फिर आपको किसी तरीके का इशू नहीं आएगा और मन पसंदीदा पार्टनर मिलने के लिए यह पूरे योगों को निर्मित कर रहा है। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल में आपकी जो लक लाइन की कंडीशन है उसमें एक सपोर्टिव लाइन आकर के बहुत स्ट्रांगली बढ़ी है, लेकिन बस यही दिक्कत आ रही है इसमें भी कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन पे फिर से इसने ब्रेक लिया है। बस यहाँ अगर कंसिस्टेंसी हो गई तो ये समझ जाइए कि फिर आपके जीवन में बड़ी रुकावट बाधा ये सब कुछ देखने नहीं मिलना है। मल्टीपल लाइन्स सन पे भी है, मल्टीपल इंटरेस्ट है, टेम्प्रेरी गेंस बेनिफिट पे कभी ध्यान मत दीजिएगा। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है तो मल्टीटास्किंग नेचर भी ये देने वाला है, लेकिन एट द एंड आपको ध्यान किस पे देना है, लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल पे, तब जाकर के सारी कंडीशंस बेटर होती जाएगी। अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा सफलता आपको जीवन में मिलना है, तो जिस भी चीज़ में प्रयत्न करेंगे सफलता आनी, अपॉर्चुनिटी आनी तय है। तो इसीलिए आपको अपने सोल के डिज़ायर को फाइंड करना है, अपने आप को जानना है। जैसे इस तरीके का जो पाम है, ये पाम इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा नेम फेम या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर का टॉप पोजिशन जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज़्यादा हो, बहुत सारों का वेलफेयर। तो अगर आपको अपने किसी भी डिसीज़न से इन सब के द्वारा लाभ मिल रहा है तो आप उस डिसीज़न में आगे बढ़िए, अदरवाइज़ वो सभी डिसीज़न जिसमें दूसरों को आप इस तरीके के लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने प्लेजर को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी सुख सुविधा जनरेट नहीं कर पा रहे, उसे फिर स्किप करिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।